नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिना ऑनलाइन आते हुए व्हाट्सएप पे किसी भी बंदे को हम मैसेज कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल पॉसिबल ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, तो आपको वीडियो देखना होगा लास्ट तक। बहुत बार होता ऐसा है कि हम व्हाट्सएप पे ऑनलाइन नहीं आना चाहते, लेकिन हमें मैसेज भी करना होता है किसी एक बंदे को, मतलब कि हमारे गर्लफ्रेंड को या फिर किसी स्पेशल बंदे को। लेकिन होता यह है कि अगर हम व्हाट्सएप पे ऑनलाइन आते हैं तो सभी लोगों को पता चल जाता है, जितने भी हमारे फ्रेंड लिस्ट में सेव नंबर होते हैं, और उसमें से कई सारे लोगों के हमें मैसेज आने के भी चांसेस होते हैं। तो अगर उनका भी मैसेज आता है तो सामने वाले को तो पता चलता है कि अपना फ्रेंड जो है वो ऑनलाइन है। अगर उसको हम मैसेज करेंगे तो उसका भी रिप्लाई आएगा, और हमें भी रिप्लाई देना बहुत जरूरी होता है उस टाइम। लेकिन इस ट्रिक्स में आपको मैं ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि आप बिना ऑनलाइन आते किसी को भी मैसेज कर सकते हो। मतलब कि व्हाट्सएप को बिना ओपन करते हुए आप व्हाट्सएप का मैसेज कर सकते हो। बिल्कुल छोटी सी ट्रिक्स बताऊंगा आपको, सिर्फ आपको एक काम करना होगा, वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। तो चलिए दोस्तों, क्या है ट्रिक्स, तो करते हैं वीडियो को शुरुआत। उससे पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और बेल आइकन को भी कर देना प्रेस, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजफुल और इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल पर आपको हमेशा देखने के लिए मिलेगी। तो चलिए, क्या है ट्रिक्स, वीडियो को करते हैं शुरुआत। जैसे कि आप सभी को पता है, अगर हमें किसी को मैसेज करना है तो हम सिंपल से जाते हैं व्हाट्सएप में। व्हाट्सएप में जाने के बाद जिस किसी को भी मैसेज करना है उसका सिंपल से यहाँ पे नंबर करते हैं टाइप, या फिर किसी का नंबर सेव होता है तो सिंपल से यहाँ पे नेम से किसी को भी हम मैसेज कर देते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि आपको ये व्हाट्सएप में बिल्कुल भी नहीं आना है, लेकिन आपकी गर्लफ्रेंड हो या फिर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड हो उसको हम मैसेज करते हैं गूगल में जाके, लेकिन वो होगा व्हाट्सएप का नंबर। जी हाँ दोस्तों, तो क्या है ट्रिक्स, तो चलिए मैं देखता हूँ, आपको मैं लेके चलता हूँ गूगल के ऊपर। तो आप सभी के मोबाइल में गूगल होगा, तो यहाँ पे सिंपल से हमें जाके ओपन करना होगा गूगल। तो सिंपल से गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पे अपने को डालना है व्हाट्सएप मैसेज। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप टाइप करना है आपको व्हाट्सएप मैसेज। जैसे आप ये टाइप करने के बाद सिंपल से सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आप देख सकते हो कुछ इस तरह इंटरफेस खुल के आ रहा है आपके सामने। तो ऊपर जो नाम है टू, इसका मतलब आप किसी को भी मैसेज भेजना। आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे साइड में एक एरो दिख रहा है जो कि डाउन तरफ की तरफ जा रहा है। तो इसको सिंपल से क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल में जितने भी मोबाइल नंबर से होंगे सिंपल से ये ओपन हो जाएंगे। अभी इसमें जिस किसी को भी आपको मैसेज करना है सिंपल से उसका नाम यहाँ पे टाइप करना है, और नीचे जो भी मैसेज आपको भेजना है सिंपल से ये डाल देना है, जो भी मैसेज, हाय हाउ आर यू। मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ आपको, मेरे ये पर्सनल नंबर पे भेज के। तो सिंपल से ये डालने के बाद यहाँ से कर देना है सेंड, ठीक है। तो अभी ये मैसेज ऑलरेडी सेंड हो चुका है, लेकिन आपको सैंपल के लिए मैं बता दूं, अभी आपने ये मैसेज जो भेजा है किसी बंदे को तो ये उसके पास पहुंच गया, लेकिन आपको एक कंफ्यूजन होगी या फिर समझने में कुछ दिक्कत होगी, इसके लिए मैं आपको सीधा मेरे व्हाट्सएप के ऊपर लेके चलता हूँ। ध्यान रखना दोस्तों, इस वीडियो में मैं मेरा व्हाट्सएप ओपन कर रहा हूँ, लेकिन आपको किसी को भी मैसेज करना है तो सिंपल से यहाँ से करके निकल जाना है, व्हाट्सएप ओपन करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे व्हाट्सएप ओपन करूँगा। आप देख सकते हो व्हाट्सएप ओपन करने के बाद जो मैंने मैसेज भेजा था यहाँ पे वो सेंड हो चुका है। तो है ना दोस्तों, कमाल की ट्रिक्स। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक छोटा सा कर देना लाइक, और जाते जाते और एक बार कहूँगा कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, गुड लक, गुड डे, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।